नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे हो, सेफ हो। सो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि बैट पे ऑयलिंग करना और नॉकिंग करना क्या टेनिस बैट के लिए जरूरी होता है? काफी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि स्ट्रोक कैसे निकाला जाता है टेनिस बैट का, तो उनका जो भी डाउट है आज मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहता हूँ। सो दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ये एक टेनिस बैट है, ठीक है। सो टेनिस बैट में ऑयलिंग कर सकते हैं कि दूसरा चीज स्ट्रोक कैसे निकालते हैं, आज मैं क्लियर बताऊंगा। सो पहला चीज है कि टेनिस बैट में इस तरीके से कुछ स्ट्रोक निकाला नहीं जाता है, जो ये सब जो हैमर मारते हैं ना, ये सब कोई चीज किया नहीं जाता है। ओके, इसका कोई यूज किया नहीं जाता है, वो सीजन बैट में किया जाता है। एक बार आप स्क्रीन पे सीजन बैट को देखिए, ठीक है। और वो क्यों करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। सीजन बैट पे हैमरिंग और मशीन के थ्रू भी किया जाता है हैमरिंग, ठीक है। क्यों किया जाता है कि वो रॉ बैट होता है और उसका स्ट्रोक निकाला जाता है, ताकि जब वो सीजन बॉल से खेला जाए तो उसमें पंचेस अच्छा पड़े। ओके, सो सीजन बैट की बात अलग होती है और टेनिस बैट जो इसकी बात अलग है। टेनिस बैट में कोई स्ट्रोक नहीं निकाला जाता है, हालांकि टेनिस बैट को प्रेस किया जाता है। ओके, प्रेस किया जाता है। और दूसरा चीज, इसमें परफेक्ट वेट वाले बैट होना चाहिए बॉल के हिसाब से। मतलब बॉल अगर 120 130 ग्राम का है तो उस लेवल का बैट भी होना जरूरी है। पता चला कि बॉल एकदम हैवी है, बैट एकदम हल्का है, तो उसका कोई कनेक्शन नहीं होगा। दूसरा चीज, ये थोड़ा खाचा जो है ये भरा हुआ होना चाहिए, जिससे अच्छा पंचेस मिल सके। ओके, ये मैं क्लियर करता हूँ आप लोगों को, नहीं तो बहुत लोग जो है हमेशा बोलते रहते हैं कि बैट में जो है स्ट्रोक कैसा निकाले, तो स्ट्रोक नहीं निकाला जाता इसमें। दूसरा चीज, बैट में जो ऑयलिंग है, देखिए स्क्रीन पे लिंसिड ऑयल मैं दिखा रहा हूँ। सो ये ऑयल का क्या रहता है, ये लिंसिड ऑयल अलग अलग कंपनी के आते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंपनी का मिलेगा। इसका यूज करने का क्या होता है रीजन, कि ये टेनिस बैट में नहीं किया जाता है, ये सीजन बैट में किया जाता है। स्क्रीन पे और एक बार देख लो, सीजन बैट पे क्यों किया जाता है, कि सीजन बैट जो है, जब नया बैट है या जूना बैट है, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर टाइप होना चाहिए, तो ये जो है लिंसिड ऑयल ये मारते हैं। और इससे क्या होता है कि बैट जो है एकदम सूखा ड्राई भी नहीं होता है, मॉइस्चर भी एकदम नहीं पकड़ता। इससे जो है बैट का लाइफ लाइन बढ़ता है एकदम बढ़िया तरीके में। जो है मतलब सीजन बॉल जो होता है बहुत हैवी रहता है, तो उसको झेलने के लिए उस लेवल का बैट भी चाहिए होता है, जो सीजन बैट होता है टेनिस बैट नहीं। और उसमें ऑयलिंग का बहुत कुछ फायदा है, जो कि टेनिस में वो ऑयलिंग नहीं किया जाता है। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई टेनिस बैट में ऑयलिंग करूँ क्या, क्या फायदा है? टेनिस बैट में ऑयलिंग नहीं होता है। हालांकि ये जो कलर होता है आप देख रहे हो वुड का, ये वर्निश मारा जाता है। वर्निश इस तरीके में मारते हैं तो क्या होता है, वुड का जो कलर है वो थोड़ा डार्क भी दिखता है, और दूसरा चीज लकड़ा जो है वो खराब नहीं होता है जल्दी, इसलिए मारते। बट ये लिंसिड ऑयल वगैरह नहीं मारा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो है बैट पे स्ट्रोक कैसे निकालते, ये कोई टेनिस बैट पे इस तरीके में स्ट्रोक नहीं निकाला जाता है। ओके, दूसरा चीज जो है ऑयलिंग भी जो है वो टेनिस बैट में नहीं किया जाता है, तो प्लीज थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दीजिए। और दूसरा चीज, साथ में सपोर्ट भी करते रहिए, और हम भी नया नया कुछ ना कुछ आप लोग के लिए जरूर करूंगा, और नया नया वीडियोस टॉपिक पे लाते रहेंगे। भरोसा रखिए और अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।